अंबेडकर यूथ सेंटर का जो जगह का जो प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसका क्या मसला है और आप इस जगह को कब से जानते हैं? देखिए, ये जगह हमारे जो दलित समाज के बहुत ही प्रिय, बहुत संघर्षशील जुझारू नेता रहे हैं, परम सम्माननीय श्री बीपी मौर्य साहब, उन्होंने 1972 में एक एसोसिएशन बनाई थी, अंबेडकर यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये जगह जो अंबेडकर यूथ सेंटर के नाम से है, उस एसोसिएशन को सरकार द्वारा दी गई थी और तब से ये एसोसिएशन के पास ही जगह है। अभी क्या है हुआ है कि जीडीए ने इसका अलॉटमेंट कैंसिल करके इसको हड़पने की कोशिश की है, जिसके अगेंस्ट में हम लोगों ने, एसोसिएशन ने कोर्ट में मुकदमा डाला है और इस समय गाजियाबाद कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा है और गाजियाबाद कोर्ट की तरफ से इस मैटर पर स्टे दिया हुआ है कि जैसी स्थिति है यथास्थिति बनी रहेगी। लेकिन अभी जो हुआ है 14 जनवरी को नभार टाइम्स के गाजियाबाद का जो संस्करण है, उसमें इस जगह के विषय में कुछ गलत बातें एनबीटी वालों ने कही हैं। उसके लिए ये सारी चीजें सबको क्लियर हों, आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। क्या सर, जो बुद्ध सिंह, बुद्ध प्रिय गौतम जी जो थे और बुद्ध मौर्य साहब, बुद्ध प्रिय मौर्य जो साहब थे वो सांसद थे, क्या उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर इसके बारे में कुछ सोचा या उनके परिवार के मन में कोई ऐसा लालच आया? नहीं, देखिए मैं नहीं कह सकता कि क्या बात रही है, लेकिन ये बात जरूर है कि तब से लेके और तकरीबन 40 साल तक इस जमीन पे जो काम होना चाहिए था वो उस तरह से हुआ नहीं। बीच में थोड़े से प्रयास रहे, कुछ थोड़ा बहुत काम हुआ भी, लेकिन पूरी तरह से जो होना चाहिए था वो अभी नहीं हो पाया। कारण क्या रहे मैं इस विषय में जाना नहीं चाहता, लेकिन ये बात जरूर है कि अगर वो पहले ही सारी चीजें ढंग से की गई होती तो आज ये स्थिति सामने नहीं आती। सर, इस तरीके की जो जगह है गाजियाबाद के अंदर काफी सारी जगह है, तो डीडीए की और लोगों की इसी जगह पर नजर क्यों है? देखिए, डीडीए ने, मैं करेक्शन करूं, डीडीए नहीं, ये जीडीए है, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप जानते हैं कि किस तरह से इस देश में शासन प्रशासन में लोग भू माफिया के साथ मिलकर काम करते हैं और उनकी नजर उस पर होती है, जो भी ऐसी जमीन लगती है उन्हें, कि अगर उस पर कोई काम जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ तो वो इसको कब्जाने की कोशिश करते हैं। और ये उसी का एक नतीजा है कि एनबीटी वालों ने, नभार टाइम्स वालों ने इसमें ये सूचना छापी कि ये जमीन जीडीए की है और ये खाली पड़ी है, इस पर स्कूल बनाने के लिए बार बार कहा गया है लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। ये जमीन, मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि ये जमीन जीडीए की नहीं है, ये अंबेडकर यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की है, अंबेडकर यूथ सेंटर के नाम से है और इसकी बाकायदा सब रजिस्ट्री है, सब कुछ है और हाँ, सारे लीगल डॉक्यूमेंट हैं और लीगल डॉक्यूमेंट है, उसी के आधार पर कोर्ट ने हमें स्टे दिया हुआ है, मैटर कोर्ट में पेंडिंग है और हम क्योंकि संविधान को मानने वाले हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम संवैधानिक रूप से ही सारे काम कर रहे हैं और जो भी कोर्ट का फैसला होगा हम उसके अकॉर्डिंगली आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, इस जगह पे जो चौकीदार छोड़ा था ये समाज की तरफ से था या गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं था, एसोसिएशन की तरफ से था। सर, चौकीदार जब यहाँ वो चौकीदारी कर रहा था उसके साथ में साथ जीडीए के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने उसके साथ मारपीट भी की थी? नहीं, देखिए जो भी है वो तो आप जानते हैं कि जब जबरदस्ती किसी चीज को आप हड़पने की कोशिश करते हैं तो सारे बाकी और चीजें भी जो होती हैं उसमें कई इलीगल काम होते हैं वो सब किए जाते हैं, समझे ना? तो निश्चित रूप से वो वाली बात है, रहती है क्योंकि नजर है। और ये अगर ये सवर्ण समाज की जमीन होती तो निश्चित रूप से नजर नहीं होती, पर क्योंकि ये दलित समाज की है इसलिए इस जमीन पर लोगों की नजर है और भू माफिया जो है उसकी नजर है। ये सब लोग निश्चित रूप से इसे हड़प लेते अब तक और अपने उद्देश्य में सफल हो जाते अगर ये जमीन कानूनी तौर पे हमारी नहीं होती। निश्चित रूप से कानूनी तौर पे हमारी है, इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही कुछ भी करे। सर, आगामी योजना क्या रहेगी इस जगह को लेकर? नहीं, देखिए मैंने आपको बताया कि जैसे ही अदालत का जो आदेश आएगा हम उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई करेंगे। अगर फैसला हमारे हक में आता है तो जिस उद्देश्य के लिए ये जमीन ली गई है, ये कार्यकारिणी, ये एसोसिएशन इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से काम करेगी और बहुत जल्दी उस उद्देश्य को पूरा करेगी। धन्यवाद सर।